हाँ रखो तो पाइप भाई हैं, दो पाइप हाँ दोनों ही चाहेंगे हमें खेत भरने के लिए, एक से हमारा काम नहीं। चलो साइड में दूंगा तो ही खींचना पड़ेगा, कि अगर खुल गया ना, अगर खुल गया पाइप तो दिक्कत हो जाएगी। एक जब ये हम आ गए थे 12 पे, यहाँ से हमने पाइप उठा लिया क्योंकि आज हमें अपना गेहूँ का खेत भरना है, तो बहुत लंबा पाइप लगाना पड़ता है हमें गेहूँ का खेत के लिए। तो बस उसी के लिए मैं एक भाई अंकित गाँव का, उसे बुला के लाया दोस्त को, और मैं और ये भाई मिल करके पाइप जो है बिछा लेंगे। और फिर जो है आज दोपहर तो क्योंकि लेट हो गया, 10:30 बज गया, अब से तो पानी चलेगा तो 2 बजे तक तो खेत भर नहीं पाएगा, पर हाँ शाम तक बिजली आएगी, 6 बजे से 8 बजे तक रात को खेत भर जाएगा। तो यह है कि चलो जो दिन में नहीं होगा हम उसे रात लेंगे। बहुत मुश्किल है, बड़ा लंबा पाइप बिछा के पानी भरना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है, पर क्या कर सकते हैं, जैसे हालात हैं उसके हिसाब से ऐसे ही काम करना पड़ेगा। बस इससे पूरा हो गया था दोस्त, छोटा लग रहा पता नहीं क्या बात, मोटरसाइकिल हटाऊं ट्रैक्टर आ गया। पानी चलाने की ऑलमोस्ट तैयारी हम लोगों ने कर ली है, क्योंकि हो क्या रहा है कि अभी पाइप जोड़ना पड़ता है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है मामला, क्योंकि बीच में से खेत है जिसमें से पानी हमें मिल सकता है, लेकिन आपस में थोड़ा सा कई बार वैचारिक मतभेद के चलते चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो कोई समस्या नहीं है, ये काम करने भी अलग ही मज़ा है ना, हम इसको इंजॉय कर। पाइप इसके अंदर डाल देंगे, अभी वहाँ सामने 12 हमने पाइप बस फंसा के रखा है, केवल बांधना है और फिर हमारा पानी जो है सीधा खेत में। तो देख रहे हैं हमने पाइप का पानी चला रखा है, तो वो पाइप जो है मतलब छोटा पड़ गया और बहुत दिक्कत हो रही, पानी चल ही नहीं पा रहा, खूब प्रयास कर लिए। तो अब मैं क्या है दूसरा पाइप लेने के लिए दुकान पे आया हूँ। अच्छा वैनिटी वगैरह है इधर, 140 रुपये फुट बता रहे हैं, ये ले लें फिर है ना जी। अच्छा जी काम भी ना करे फंडा, पानी निकलने में दिक्कत आ सके। एक बार रख के देखते भाई साहब, 16-17 किलो। अच्छा 38 किलो का योग, मैम तो फिर तो आधा चला जाएगा। सारे बंडल है समझ में, आगे भी सामान और पीछे भी सामान। देख उस पॉट भागो लल्लू भाग, ये मैं कह रहा लल्लू भाग भाग रहा पापा जी। हाँ अच्छा लल्लू क्या इलाज हो, से देखने से पूरा हाँ जी। गाइस अभी रात हो रही है काफ़ी, बज रहे हैं करीब रात के 8:30-9, और मैं जा रहा हूँ खेत में अपने, क्योंकि मुझे खेत में पानी चल रहा है हमारे, हाँ सामने कुछ नहीं दिख रहा है ना। गाइस रात में जो है पानी चलाने में यही दिक्कत है, अभी क्या हो रहा है जगह जगह डोल से पानी उतर रहे हैं, तो दूसरे खेत में तो फावड़ा भी लेकर नहीं आया, मुझे लगा सब कुछ तो ठीक है फावड़े की ज़रूरत नहीं है, मुझे मिट्टी से ही जो है पानी रोकना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैं चलिए गाइस पानी यहाँ तक आ गया, मतलब काफ़ी आधे से ज़्यादा खेत जो है भर चुका है। ओहो ज़मीन पत्थर सी हो गई है बिल्कुल, गिद्दड़ के रोने की आवाज़ देखिए, रात को ना यही सब रहता है जंगल में। गलत बात देख एकदम छोड़, यहाँ काम अगलिया तुझे किस टाइम कहा था आने को, टेबल को वो करवाना जो हमारे कंच की टेबल है ना उसे इंस्टॉल कराना,
मॉडल बनाने कितने पैसे पैसे हाँ देख पैसे 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 7-8 हजार इसे सामने चला जाता थोड़ा सा और अच्छे से दिखा दूंगा नीचे दबरा पाइप के हो पाइप तुमने ये वाला थोड़ा दे दे नहीं देखता चलेगी और जगह ठीक थोड़ा सा पीछे जा आगे तो रखू इसे मैं हैंडल पे हाँ चलो ये ऊपर नीचे धर लेंगे पहले उसे धर लेंगे बड़ा दे दिखा हाँ जी ठीक है बैठ जाएगा तू हाँ बैठ जाऊँगा कोई नहीं तो कपड़े भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं भैया रुको पैदल चलेंगे साले को रख के ले तुम बैठ तू देख पीछे एडजस्ट हो सके क्या हो जाऊंगा मैं तो हो जाऊंगा आ जा तू आ जा गाइस मैं जस्ट मैं भी खेत में से आया हूँ पाइप वगैरह डाल करके और अभी मैं नहाया हूँ आकर के बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरे सारे कपड़े भीग गए थे और उसके अलावा मेरे जो बाजू हैं सारी वो पानी में हो गई तो जो पाइप रख के लाए तो पैंट वगैरह मतलब सारा पीछे से कमर वगैरह सारी बहुत बुरी तरह से भीग गई थी तो मुझे ऐसा हो गया मेरे जूते भी इतनी मिट्टी चढ़ गई जूतों पर तो फिर आ करके बाहर जूते निकाले उसे लड़के को छोड़ के आया जो मेरे साथ अभी पाइप बटला करवाने गया था बाद में अंकित उसको घर छोड़ा पाइप घेर में रखे और अभी तो एक टुकड़ा पाइप का रह गया नल पे उसे कल सुबह जाके खोलूँगा क्योंकि अब हिम्मत शरीर में बिल्कुल क्योंकि मैं इतना सारा पाइप खोल के बटला कर लूँ क्योंकि पाइप में ना पानी भरा होता है बहुत ज़्यादा और पाइप निकालना बहुत मुश्किल था तो इसीलिए मैं आके अभी वो छोड़ करके वापस आ गया और बहुत लेट भी हो रहा था 10:30 बज गए थे दूसरे का बच्चा मेरे साथ था तो मुझे हो रहा था उसके पापा बार बार फ़ोन कर रहे थे बेटा कहाँ रह गया बेटा कहाँ रह गया तो परिवार को चिंता होती है मेरे भी घर से फ़ोन जा रहे थे कहाँ रहेंगे कहाँ रहेंगे तो मैंने बोला चलो यार चलते हैं अभी वापस बाद में देखेंगे इसको है ना तो अब मैं आके फाइनली नहा लिया हूँ और आज का काम मेरा ही ख़त्म हो गया मैं व्लॉग को भी यहीं एंड करता हूँ मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और यदि नहीं अच्छी लगी तो ज़रूर डिसलाइक या जो भी तुम्हारे पास चॉइस है बताने की उसके थ्रू ज़रूर बताएं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।